आप शोक कर रहे हैं अपने नाथू जी के यहाँ और काले कलसरे कबूतर उस्ताद मुल्ला जी की नस्लें आज भी मौजूद हैं नाथू जी के यहाँ और आमद मियाँ के शागिर्द हैं अभी नाथू जी। ये देखें आप, तो क्या परवाज रहती है इनकी नाथू जी, परवाज क्या रहती है इनकी, उड़ान कितनी है? शाम तक की, शाम तक की है। ये देखें दोस्तों, ये कितने खूबसूरत कबूतर हैं। अच्छा, रात नहीं रहते, घर पे आते हैं ना? अगर बेरी ने नहीं मारा तो, बेरी ने नहीं मारा तो। ये देखें दोस्तों, जिस साल उड़ाया नस्ल है जी जी, हर नस्ल ये देख लो। एक दो पट्टे अभी मैंने बाजी में भी दिखाया, इनाम में भी दिखाया था जी, तो रात रह गया था वो। अच्छा, तो 6 दिन के अंदर घर पे आया, 6 दिन बाद वापस आ गया, 6 दिन बाद में। तो ये खूबियाँ हैं इनमें, इनमें ये खूबियाँ हैं। ये देखें दोस्तों, जैसा कि इन्होंने उड़ाया था इसे बाजियों में और रात रह गया, तो उसके बाद 6 दिन बाद ये घर पर आ गया वापस। तो इसमें एक नर का शोक कराया ना तू जी, ये देख सकते हैं दोस्तों, आप शोक कर रहे हैं उस्ताद मुल्ला जी की नस्लों का। और ये कबूतर की आँख देखें आप, बहुत ज़बरदस्त आँख है, लाल डोरे लिए हुए। ये देखें आप, नादाना टाइप आँख है ये, और इसका आँखों का तिल देखें, बहुत बारीक तिल होता है इनका, बारीक पलके होती हैं। ये देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त। अब पर इसमें एक भी सफ़ेद पर नहीं आएगा, नाथू जी ने बताया, ये सारे पर काले आएंगे। ये देखें आप दोस्तों, ये खूबी है इनकी, परों का शोक कीजिए। जोड़े वाले कबूतर हैं, इनको ब्रीडिंग पेयर में रख रखा है और बहुत नायाब नस्ल है, इसको बचा के रख रखा है नाथू जी ने आज भी। ये देखिए आप, इनकी उड़ान वाले के होते हैं और उड़ान भी बहुत ज़बरदस्त है इन कबूतरों में। क्या सामने होता है नाथू जी, वापसी बहुत अच्छी है। अब इसके जी नाथू जी, बाजरे होते हैं ना, हाँ हाँ, शाम को उड़ते उड़ते लाल लाल रंग तो होती है उनकी, हाँ, फिर ऐसे खून बरसता आंखों पे। अच्छा, चाहते आते आस पास बैठ जा, क्या बात है। ये देखें दोस्तों, इसके नाखून खुश पंजे हैं, लंबे काले नाखून। अब ये देखें दोस्तों, ये मादिन लगा रखी है नाथू जी ने। ये देखें आप, मादिन का शौक करें बिल्कुल। ये देखें, गोश्त कम होना चाहिए साहब इसमें, कबूतरों में उड़ान वाले। ये देखें आप, बिल्कुल स्लिम और ट्रिम ये मादा, और इसकी भी लाल, मतलब लाल डोरे लिए हुए आँख, बिल्कुल बारीक पलके हैं इसकी। और चोंच देखिए आप, कलर चोंच का और पलकों का सेम मिलेगा आपको। पर बता देना इसके, ये पर देखें आप, पर कितने ज़बरदस्त पर हैं, और सफ़ेद पर एक भी नहीं मिलेगा। ये खूबी है इनकी, ये देखो दोस्तों, सफ़ेद पर एक भी नहीं मिलेगा। ये परों का शौक कीजिए आप। ये देखें आप, पर पंजे, ये देखें इसके पंजे, उस्ताद मुल्ला जी वाली नस्लें आज भी मौजूद हैं नाथू जी के यहाँ, उस्ताद आमद मियाँ के शागिर्द हैं। ये देखें दोस्तों, ये दूसरे पैर का शोक करवा रहे हैं आपको, मुल्ला जी की नस्लें। और इनके गंडे भी आते हैं सब, हाँ, ये देखें लाल गंडे भी आते हैं। ये गंडे देखें आप इनके, और हाथ में मचलते हैं, आँख दिखाइए सिया। ये देखें इसकी आँखों का शोक कीजिए आप, इसकी थोड़ी अलग है आँख। ये किस टाइप में आँख के लगी नाथू जी, वाइट साफ आ गई, हल्के डोरे लिए, लाल कम है इसमें। ये देखें बहुत खूबसूरत आँख है इसकी, शोक कीजिए। पर दिखाइए इसकी, और इसके पर देखें आप, बहुत ज़बरदस्त परों का शोक कीजिए। देख सकते हैं इसके नाखून खुश पंजे हैं, ये जोड़े वाले कबूतर हैं। ये नाथू जी मादिन का शोक करा रहे हैं, सेकंड जोड़े का आपको शोक कराया जा रहा है नाथू जी के यहाँ टोंक में। ये देखें आप, और इनके बच्चे बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे हैं दोस्तों, उनके बच्चे बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। ये देखिए इसकी भी आँख, ये करीब से देखिए आँख, बिल्कुल अंडे की तरह है ये आँख। ये देखें आप, बारीक पलके हैं, और ये चोंच इसकी। अब पर दिखा, इसके पर देखिए आप, कितने अच्छे पर लगे हुए हैं इस कबूतर में। ये देखें आप, बिल्कुल रेशम पर है, फ्लेक्सीबल बिल्कुल, जिसे कहते हैं। ये देखिए आप, ये देखें इसके बिल्कुल वही, ये आपको शोक करा रहा हूँ मैं, बहुत मशहूर कबूतर उस्ताद मुल्ला जी के टोंक वाले। ये देखें आप, तीसरे जोड़े का शोक कर रहे हैं आप, उस्ताद मरूम मुल्ला जी वाली नस्लें नाथू जी के यहाँ अपने पुरानी टोंक। ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त ये जोड़ा है, इसके गंडे भी आते हैं। ये देखें आप, प्रॉपर तरीके से लाल गंडे भी आते हैं इनके, और हरियाड़ देखें आप इसकी गर्दन पे, इसकी खूबसूरती। ये देखें मोर की तरह इसकी गर्दन, जिस तरह से मोर में शेड होते हैं ग्रीन कलर के। अब इसके नर का शोक, ये देखें दोस्तों, इस नर का शोक कीजिए आप। ये देखें आप, इसकी आँख देखिए, ये देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत इसकी आँख। ये देखें आप बिल्कुल, और ये चोंच, बारीक पलके हैं, और ये गर्दन पर हरियाड़ देखेंगे आप बिल्कुल मोर की तरह। अब इसके पर ये देख सकते हैं आप, इसके परों का शोक कीजिए, नीचे करना थोड़ा, हाँ, ये देखें बहुत ज़बरदस्त पर, बिल्कुल सॉफ्ट फैन के पर दोस्तों। ये देखिए वाइब्रेशन बहुत ज़बरदस्त। ये देखें इसके नाखून, ये मादिन लगा रखी है आपने, ये देखें
तो दोस्तों ये नाथू जी जिन कबूतरों का आपको शौक करा रहे हैं उस्ताद मुल्ला जी की ये नस्लें, इन्होंने बाजियों में भी इन्हें टेस्ट किया है और बहुत ज़बरदस्त इसकी उड़ान, इन कबूतरों की उड़ाने हैं। और घर वापस आते हैं दोस्तों, ये शाम को रात नहीं रहते, ये ना ही बॉर्डर से पहले बैठते हैं, बिल्कुल टाइम पे आते हैं, 3 से 4-5 बजे का जो पैटर्न टाइम है इनका। ये देखें इसकी आँख, अपर दिखा दीजिए इसके नाम, ये देखें इसकी खूबसूरती दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त मादा। और इसका ये देखें आप, लाल गंडे भी इसमें आते हैं अक्सर, ये देखें आप। और बुरा मानते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको इस मादिन की आबो हवा इससे लग रहा है कि आइडिया लगा लोगे कि आप ये बुरा मानते हैं हाथों में, इस तरह से जैसे कि बीमार हो गए। ये परों की सजावट देखें इसकी आप, अब इसके पंज, ये देख सकते हैं इसके नाखून छोड़ दें, ये देखें दोस्तों आप सारे कबूतरों का शौक करें नाथू जी के, ये देख सकते हैं आप जी के पूरे कबूतरों का आपको एक साथ शौक कराया जा रहा है। और ये बहुत मशहूर नस्ल है दोस्तों, मुल्ला जी वाली नस्लें हैं, इनका शौक कीजिए आप। ये देखें सारे कबूतर एक से एक नाथू जी के, उस्ताद अहमद मियाँ के शागिर्द हैं, ये देखिए आप। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको नाथू जी के कबूतर कैसे लगे, मुल्ला जी वाली नस्लें कैसी लगी आपको। ये देखें आप दोस्तों, इनकी बहुत ज़बरदस्त वापसी है, रात नहीं रहते ये कबूतर, ये देखें आप, सब कबूतर एक से एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत शानदार उड़ाने हैं इन दोस्तों, इन कबूतरों में। घर वापसी बहुत ज़बरदस्त है इन कबूतरों की, ये देखें आप शौक करें, ये देखें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको नाथू जी के कबूतर कैसे लगे, ये देखिए आप सारे कबूतरों का शौक कीजिए एक साथ। अब आपको सेकंड पार्ट में बाजरे कबूतरों का शौक कराते हैं।